नमस्कार प्रिय किसान मित्रों, आपका अपने चैनल जी फार्म खेती बाड़ में फिर से एक बार स्वागत है। आप देख पा रहे हैं, मैं प्याज भंडारण वाली जगह पर खड़ा हूँ और इस बार हमने सारे प्याज में हेलोजन लगा दिए हैं। किसान भाइयों, बारिश अच्छी खासी हो रही है और वातावरण में पूर्ण रूप से नमी आ गई है, तो हमें प्याज भंडारण जो कर रखा है उसका विशेष ध्यान रखना है। इस नमी से हमारे प्याज को बचा के रखना है, नहीं तो होगा क्या कि प्याज में अंकुरण आ जाएगा और ब्लैक फंगस, जिसे हम मिस्सी बोलते हैं, जो प्याज में कालापन रहता है, वो आने की पूरी पूरी तैयारी रहेगी। तो किसान मित्रों, इससे बचाव के लिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने हमारे प्याज में हेलोजन लगा दिए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कितने बाई कितने कमरे में कितने हेलोजन लगाने हैं आपको। तो सीधी से भाषा बोलूँगा, 12x12 के कमरे में आपको 500 वाट से ले जाके 1000 वाट के बीच में कितना भी हेलोजन या रॉड आती है हमारी, किसकी, हीटर की, वो लगा सकते हैं। 1000 वाट का हेलोजन लगा सकते हो, 500 वाट का तो 500 वाट का लगा सकते हो, या फिर 1000 वाट की आपके पास हीटर है तो वो लगा सकते हो। यदि इनके बीच में आप करना चाहते हो 700 वाट का, तो आप एक 200 वाट का बल्ब लगा लीजिए और एक 500 वाट का हेलोजन लगा लीजिए। तो किसान भाइयों, 12x12 के कमरे में 500 वाट का यदि आप हेलोजन लगाते हैं तो वहाँ नमी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी, या कह देंगे कि अच्छी खासी खत्म हो जाएगी। यदि आप इस चीज को, जैसा हम देख पा रहे हैं इस प्रकार से हमने हेलोजन लगाया है, एक हेलोजन लगा दिया है, यदि आप ऐसा नहीं लगाना चाहते हो तो जो हमारा फैन चल रहा है, इस फैन में आप नीचे की साइड से, हवा से जो नीचे जा रही है, उस नीचे वाले हिस्से में आप हेलोजन लटका दीजिए, तो भी पूरे हमारी जगह में प्याज में गर्म हवा बनके बाहर निकलेगी, तो हमारे प्याज में नमी बहुत कम बनी रहेगी। और किसान भाई, एक बात को और ध्यान रखना है, जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी आप बाहर दिखाइए, इस वाले हिस्से में हमारी ये जगह ओपन है और हमने बारदान लगा दी, यहाँ पर खिड़कियाँ थी एग्जास्ट के ऊपर, तो वो सारी जगह हमने बंद कर दी है, यहाँ पर ठंडी हवा अंदर आ रही थी। तो आपसे ये अनुरोध है, आपके यहाँ पर जो भी वेंटिलेशन है या फिर बड़ी खिड़कियाँ हैं या दरवाजे हैं, उन्हें इस वक्त आप बंद कर दीजिए, हमारे प्याज भंडारण में नमी ठंडी नहीं आना चाहिए, नहीं तो प्याज खराब होंगे, ज़्यादा दिन तक आप भंडारण नहीं कर सकेंगे। तो किसान मित्रों, ये 2-3 जानकारी थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और जो बताया गया नमी से बिल्कुल बचिए, हेलोजन लगाइए, बल्ब लगाइए या रूम हीटर लगाइए। धन्यवाद।